रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2023 दुनिया का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया है। हीट वेवर्स रिसर्चर्स द्वारा हमें ये जानकारी मिली है कि वर्ष 2024 में उससे भी ज़्यादा गर्मी हो सकती है, इस साल और भी ज़्यादा गर्मी पड़ सकती है। गर्मी के कारण जो व्यापारी लोग हैं, रेडी फड़ी वाले लोग हैं, उनके काम पर भी काफ़ी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो लोग हैं वो दोपहर के समय कम ही घरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो जो है वो शाम के समय ही अपने घरों से बाहर निकलते हैं कुछ ज़रूरी चीज़ों को खरीदने के लिए। लेकिन जब वो घरों से बाहर निकलते हैं उस समय जो दुकानें हैं उनका बंद होने का समय हो रहा होता है, इससे जो दुकानदार है, रेडी फड़ी वाले जो लोग हैं, उनके काम पर काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि गर्मी के कारण उनके काम पर कितना प्रभाव हो रहा है। आपका नाम? सुरेंद्र गुप्ता। अभी 2-3 दिन से ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन आज तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो गर्मी की वजह से जो लोग हैं वो बहुत कम बाहर निकलते हैं, शाम के टाइम पे ही बाहर निकलते हैं, तो इससे आपके जो कामकाजी दौर चल रहा है उस पर कितना इफेक्ट हो रहा है? देखो, सुबह से कस्टमर कोई नहीं है शॉप पे, देखो आपके सामने पूरी दुकान खाली है जी। तो जब ग्राहक का टाइम होता है उस टाइम गर्मी बहुत होती है। देखो अभी जिसने भी आना है सर्विस वाले ने किसी ने, उसको शाम दोपहर को टाइम लगता है, रात को टाइम लगता नहीं उसको। और कोई होता है जो बंदा रात को आता है तो उस टाइम हमारा दुकान बंद करना टाइम हो जाता है, इसलिए गर्मी की वजह से बहुत बाज़ार में मंदी चल रही है। तो देखो आप इधर कैमरा घुमाओना थोड़ा सा, ग्राहक कोई नहीं है बाज़ार में। गर्मी है, इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है, कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। हमारे जो बिजनेस में इतना फ़र्क पड़ गया है कि आप देखिए हमारी दुकान बिल्कुल खाली है। हमें डर रहती है कि हमें सैलरी भी निकालनी होती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो बड़ी मुश्किल है। और जब शाम का टाइम होता है तो हमारी दुकान करने का बंद मतलब टाइम हो जाता है बंद करने का, तो हम काफ़ी लॉस पे जा रहे हैं इस बारी। ठीक है, आप देखिए हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है इस बारी। गर्मी इतनी भयानक गर्मी बहुत है, लोग निकल नहीं रहे हैं, तो सीधा असर तो हमारे बिजनेस पर पड़ रहा है। काम बहुत मंदा है, हाँ, गर्मी में बहुत दिक्कत है, किसी तरह चला रहे हैं। हाँ, सामान भी महंगा हो गया, थोड़ा बहुत उसी में निकाल रहे हैं। और दूसरा क्या है, थोड़ा माल भी ख़राब हो जाता है गर्मी के मौसम में, जो आ रहा है थोड़ा बहुत अपना दर दार निकलता है, बाकी कोई उससे प्रॉफिट नहीं है। गर्मी तो वैसे बहुत ज़्यादा है, वो क्या करना, ध्याड़ी तो लानी तो है, तो इस करिए शामी लाने रेडी शामी लगे, दिन तो गर्मी होती बड़ी, इसलिए भी फिलहाल मैं हूँ ही आना है, मैं 3 बजे घर आना इधर, तो शामी ज़्यादा कम, शामी वो लोग बाहर निकलते हैं, दिन तो धुप बड़ी है गर्मी है। इस समय तो मंद चल रहा है, गर्मी की वजह से मंद चल रहा है। अब देखिए ये इस समय तो कोई आएगा नहीं, घर में रहता है, उसके बाद में शाम को लगभग 5 बजे निकलेगा, तो 5-6 बजे तक दुकानदारी चलती है, 2-3 घंटा, 2-3 घंटे में क्या बिक्री होगा बताइए ना। इस समय काम बहुत मंद चल रहा है।